आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ अर्ति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमेठी से आ रही बड़ी खबर के साथ। जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक और बर्ड फ्लू से लोगों में दहशत का माहौल है। गांव में आधा दर्जन कौवे मृत पाए गए हैं। जिला प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कैटी गांव का मामला सामने आ रहा है, जहां दर्जन भर कौवे मृत पाए गए हैं और बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कैटी गांव का ये मामला सामने आ रहा है। जिला प्रशासन को इस बात की कोई खबर नहीं है। आधा दर्जन कौवे मृत पाए गए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है बर्ड फ्लू को लेकर। मेरा नाम शिवाज शुक्ला है, मैं सरैया ग्राम सभा से बोल रहा हूं। और यहां पर आज सुबह जब हम लोगों ने इधर आए तो देखे तो कुछ कौवे मरे पड़े हैं, उसमें से दो कौवे कुत्ते उठा ले गए और तीन कौवे यहां बचे हुए हैं। इसकी वजह से हमारे गांव में दहशत फैली हुई है और हमारे सरैया ग्राम सभा में बर्ड फ्लू के चलते देखते हुए मद्देनज़र हम लोग डरे पड़े हुए हैं। और यहाँ के हमारे कैंटी ग्राम सभा, कैंटी गांव से सरैया ग्राम सभा से लोग दहशत में पड़े हुए हैं और इसकी जानकारी हम आगे रिपोर्ट कोशिश की और स्वास्थ्य विभाग के फ़ोन नहीं लगने से फिर हमें मजबूरन प्रेस वाले को फ़ोन करना पड़ा। और इसके डरते हमारे गाँव के लोग सभी कैंटी निवासी डरे पड़े हुए हैं, जो यहाँ और भी खेती करने आते हैं वो भी डरे पड़े हुए हैं। लोकेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। लोकेश, बड़ी खबर ये दर्शकों को बता रहे हैं, जो आज 6 कौवे मृत पाए गए हैं, बर्ड फ्लू की दस्तक उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है, क्या मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा है, क्या जांच की जा रही है? जी अदिति, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे बर्ड फ्लू जगह जगह पर इसके तमाम एहतियात किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी एडवाइजरी जारी की गई है। इसी को देखते हुए अमेठी जनपद में भी इस समय बर्ड फ्लू का आहट जो है वो देखने को मिला है। ये अमेठी तहसील के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरैया कलों के कैटी गाँव का मामला है, जहाँ पर एक साथ 5 कौवे मृत पाए गए। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो उनमें दहशत का माहौल, उन्होंने संबंधित जो अधिकारी थे उनको, पशु चिकित्सा अधिकारी को फोन किया, लेकिन किसी का फोन, किसी भी अधिकारी का फोन नहीं लगा। अंत में थक हार कर उन्होंने मीडिया कर्मियों से यह चीज साझा की और कहीं ना कहीं जो मृत कौवे पाए गए हैं ये बहुत ये जांच का विषय है। जिस तरह से हर जगह पर बर्ड फ्लू की का संकेत मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेठी भी उससे पीछे नहीं है, अमेठी में भी इस तरह का देखने को। लेकिन अगर हम बात करते हैं अधिकारियों की, तो प्रशासन की जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी एडवाइजरी के अनुरूप यहाँ पर जो है कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं और अभी भी ग्रामीणों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है कि आखिर जो है वो एक बड़े संकट से घिरे हुए हैं। लेकिन अभी अधिकारियों से किसी भी प्रकार की बात नहीं हो पाई, ना अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हुए हैं। जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका लोकेश।